डोनेस के पास वहलदार में रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर आपको बता दें कि रूस आगे है, तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन के गोलाबारी में घिर गई है। जिस वक्त पुतिन मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं और बखमूत पर रूस की पकड़ ऐसी है कि ज़ेलेंस्की की सेना जान बचाकर भाग रही है, तब शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो कहा उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जॉन किर्बी ने कहा है कि जो व्यवस्था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कायम की थी उसे रूस और चीन मिलकर बदलना चाहते हैं और अब वो पूरी दुनिया में अपना कानून चलाना चाहते हैं। इसलिए बखमूत के बाद कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले से पहले शी जिनपिंग का मॉस्को जाना एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पुतिन और शी जिनपिंग का साथ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अमेरिका इसे चीन और रूस की नई चाल बता रहा है जिसका टारगेट यूक्रेन से ज्यादा नेटो की बुनियाद खत्म करना है। शी जिनपिंग पर इल्जाम बहुत सीधा है। अमेरिका के आरोप को समझें तो सवाल है कि क्या जिनपिंग की मॉस्को विजिट वर्ल्ड वॉर की औपचारिक शुरुआत है? क्या शी जिनपिंग वर्ल्ड वॉर का पीता काटने जा रहे हैं? पुतिन की सेना बखमूत से आगे बढ़कर कीव पर हमला करे इसकी तैयारी शी जिनपिंग ने कर दी। पुतिन के जो तोपखाने खाली हो रहे थे उसके लिए शी जिनपिंग ने छोटा रिचार्ज फौरन कर दिया, इसलिए पुतिन की तोप अब नॉन स्टॉप फायर करे क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं, कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। यह दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है क्योंकि अगर पुतिन के तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो ज़ेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा, तब यूक्रेन की जमीन ऐसे ही धब्बों के साथ और तबाह होगी। ये डोनेस्क के पास वलहेदार की जमीन है, यहाँ तोप के गोलों की निशान देखी, यहाँ रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यहाँ ये यूक्रेन के गोलाबारी में घिर गई। डर है कि दाएं चलेंगे तो वहाँ गोला गिरेगा और बाएं मुड़ेंगे तो वहाँ भी गोला गिरेगा। यूक्रेन की गोलाबारी यहाँ काफी सटीक हुई है और कई गोले तो रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर गिरे हैं। जब ऐसा होता है तो उस टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के खून के सामने बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, यानी पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइनीज गोले अगर रूस पहुंच गए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन की तोप नॉन स्टॉप चलेगी और उसे रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि पुतिन की तोप को मिलने लगेगा चाइनीज गोला। इसलिए युद्ध की सच्चाई यही है कि अगर रूस को और गोला बारूद मिलेगा तो ये जंग खत्म नहीं होगी बल्कि और आगे बढ़ेगी और पुतिन अगर नहीं रुके तो ये युद्ध नेटो की सरहद में दाखिल होगा, जिसका डर ज़ेलेंस्की के अलावा यूरोप के कई लीडर जाहिर कर चुके हैं। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow.